my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but the... हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आ चुके हैं हमने वीडियो के साथ। आज की वीडियो में मैं आपको अपना वर्कआउट रूटीन दिखाने जा रहा हूँ। इसमें मैं आपको बताऊँगा कि आजकल मैं कौन सी नई स्किल सीख रहा हूँ, इसमें मैं क्या क्या एक्सरसाइज करता हूँ, कैसे कैसे करता हूँ। तो आज की वीडियो में यही होने वाला है, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा एंड तक देखना। बाकी अगर आप कहीं से भी नए आए हो चैनल पर, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं वीडियो के साथ। तो गाइस, कोई भी एक्सरसाइज करने से पहले सबसे ज़रूरी ये है कि आप अपनी बॉडी स्ट्रेच कर लो या वार्म कर लो। सो मैं वार्म अप के लिए थोड़े से हैंड रोटेशंस करूँगा, क्योंकि ये सारा शोल्डर्स के ऊपर ही है। तो मैं पहले अपने शोल्डर्स को वार्म करता हूँ। टेन राउंड्स आगे, टेन राउंड्स पीछे। थोड़ी सी स्ट्रेचिंग के लिए भी। सो गाइस, पहली स्किल जो मैं आजकल सीख रहा हूँ वो है हैंड स्टैंड पुशअप्स। सो इसके लिए सबसे पहली एक्सरसाइज जो मैं करता हूँ वो है पाइक पुशअप्स। इसमें आपको सिंपल ऐसे करना है और पुशअप्स लगाने। तो गाइस, ये एक्सरसाइज आप 10-10 के 3 सेट्स कर सकते हो। बाकी दूसरी एक्सरसाइज जो मैं करता हूँ वो है एलिवेटेड पाइक पुशअप्स। थोड़ा सा एडवांस है, इसमें आपके पैर थोड़े से ऊपर की तरफ रहेंगे। आप 10 के 3 सेट कर सकते हो। तो गाइस, तीसरी एक्सरसाइज जो है वो है नेगेटिव। अगर आप कोई स्किल सीख रहे हो और उसमें नेगेटिव लग सकते हैं, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप नेगेटिव ही मारो, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा प्रोग्रेशन करता है। तो मैं बॉल के थ्रू दिखाता हूँ। ये भी आप 10 के 3 सेट कर सकते हो। बाकी चौथी एक्सरसाइज भी नेगेटिव है, वो हम बिना बॉल के करेंगे। तो गाइस, ये कुछ एक्सरसाइज थी जो मैं हैंड स्टैंड पुशअप्स के लिए करता हूँ। बाकी दूसरी स्किल जो मैं आजकल सीख रहा हूँ उसका नाम है हफिस्तो। आई थिंक आप ये नाम पहली बार सुन रहे होंगे। मैं आपको करके दिखाता हूँ कैसे करते हैं हफिस्तो। इसको हम रिवर्स मसल अप भी बोल सकते हैं एक तरह से। तो मेरे को पूरा तो नहीं आता, पर मैं थोड़ा बहुत करके दिखाता हूँ, जिससे आपको पता चल जाए ये होता क्या है। तो गाइस, हफिस्तो के लिए सबसे पहली एक्सरसाइज जो मैं करता हूँ वो ट्राइसेप्स के लिए। सिंपल आपको थोड़ी सी ऊंची वॉल ढूंढनी है, ऐसी स्ट्रेट रखने पैर और ये। तो गाइस, इसके आप 15 के 3 सेट कर सकते हैं। तो गाइस, दूसरी एक्सरसाइज कुछ इसी तरह से सिमिलर है। इसमें हम लोअर बार पर जाएंगे, पहले अपने हाथों को इस तरह से पकड़ना है और पीछे की तरफ पुल करना है ये। तो
गाइस तीसरी एक्सरसाइज जो मैं इसमें करूँगा वो नेगेटिव्स है। सो इसमें आपको सिंपल पहले बार पे चढ़ना है और स्लोली स्लोली नीचे आना है। ग्रिप हमारी यही रहेगी इसमें और स्लोली स्लोली आना है। तो गाइस चौथी और फाइनल एक्सरसाइज मैं बैंड के साथ करने जा रहा हूँ। इसमें आप फिर से ऊपर चढ़ना है, इस पर बैंड को लगाना है अच्छे से। थोड़ा टाइट कर लेना है, फिर धीरे धीरे नीचे जाना है, फिर ऊपर आना वापस। ग्रिप रखनी है टाइट। तो गाइस अभी मैं सीख रहा हूँ इसलिए मेरे से हो नहीं रहा, बाकी यही एक्सरसाइज मैं करता हूँ। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। सो गाइस ये कुछ एक्सरसाइज थे जो मैं आजकल घर पे सीख रहा हूँ। अगर आपको भी सीखना है तो आप भी बेझिझक यहाँ आ सकते हैं, सीख सकते हैं मेरे साथ। बाकी आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।